आज हम जानेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, तो इसे मैंने टॉप पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय से। तो देखिए, पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और जैसे चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसे ही पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र है जैसे चुंबक का होता है, ठीक। और ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी के अंदर से लेकर के स्पेस में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। तो सिंपल में आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि पृथ्वी के अंदर से लेकर के स्पेस में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, ठीक। ये आपको लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के लिए, परिचय बस समझने के लिए जरूरी है। इसके बाद में जरूरी बन जाता है अब कि ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इससे हमें क्या फायदे हैं या क्या किस चीज में हमारी मदद करता है। तो वैसे तो इसके कई फायदे हैं, कई चीजों में हमारी मदद करता है, पर सबसे जरूरी है वो है हमारा नेविगेशन। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन वगैरह में गूगल मैप्स या हेयर मैप्स वगैरह की एप्लीकेशन होती हैं। ये सभी एप्लीकेशन जो मैप्स की होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर ही आपका डिसाइड करती हैं कि कौन सी दिशा कैसे होगी। तो ये नेविगेशन में काफी मददगार रहता है ओवरऑल। तो सिंपल में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आपको पूछा जाए कि क्या काम है, तो आप बोल देंगे कि सबसे खास काम ये है कि ये हमारे लिए नेविगेशन में मदद करता है, ठीक, दिशा निर्देश में मदद करता है, कहां पहुंचना है कहां नहीं, इस सभी में। इसके बाद में जानेंगे हम इसके प्रमाण के बारे में कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है या व्यवहार करती है, तो क्या आप किसी की बात पे विश्वास मान लेंगे। तो देखिए, इसके दो हैं आपका प्रमाण कि क्यों पृथ्वी चुंबक की तरह काम करती है या पृथ्वी का क्यों चुंबकीय क्षेत्र अपना है। तो इसका पहला ये है कि अगर मान लीजिए आपको चुंबकीय सुई है, मान लीजिए ये मेरा पेन चुंबकीय सुई है, और आप इसे किसी भी दिशा में उत्तर, मान लीजिए उत्तर दिशा मेरे पीछे है और दक्षिण दिशा मेरे आगे है, और इस तरह से, और इन दोनों दिशाओं के अलावा कहीं पर भी इसे छोड़ दिया जाए, आपकी जो पेन है इसको छोड़ दिया जाए, तो ये उत्तर और दक्षिण में ही जाकर के ठहरेगा। अगर मान लीजिए मेरे पीछे का जो हिस्सा है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, और आगे का हिस्सा जो है वो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो, ये भी एक चुंबकीय सुई है, तो इसमें भी एक दक्षिण आपका ध्रुव होगा और एक उत्तरी ध्रुव होगा। तो अब इसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो मेरे पीछे जो उत्तरी ध्रुव है उससे आकर्षित होगा, और इसका दक्षिणी ध्रुव, इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से आकर्षित होगा। तो सिंपल में इसीलिए आप अगर किसी भी दिशा में इन्हें लटका दें तो चुंबकीय सुई वापस इस तरह से पहुंच जाती है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर एक डाल के कि अगर किसी चुंबकीय सुई को किसी दिशा में आप किसी दिशा में लटका करके छोड़ दें, स्वतंत्रतापूर्वक लटका करके छोड़ दें, तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा और एक सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी हमारी चुंबक की तरह कार्य करती है। दूसरा है हमारा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है कि अगर मान लीजिए आप कोई नरम लोहे का टुकड़ा लें और उसे इस तरह से रख दें कि एक सिरा उत्तर दिशा में और एक सिरा दक्षिण दिशा में लेकर के उस नरम लोहे के टुकड़े को जमीन में दबा दें, तो उसमें चुंबकत्व का गुण पहले से बढ़ जाएगा। तो ये भी एक प्रमाण है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है या एक चुंबक है। इसके बाद में जानेंगे हम कारण के बारे में कि ऐसा क्यों है कि पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य कर रही है, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका कारण है, अब हम इसी कारण को जानेंगे। तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे, अपने अपने विचार दिए कि ये ऐसे 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 है। तो ओवरऑल सबसे पहला जो मत था वो दिया था डॉक्टर गिलबर्ट ने, इन्होंने ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था अध्ययन, और इन्होंने अपना सबसे पहले मत दिया था। पर क्योंकि इनका मत जो है वो गलत साबित हुआ बिल्कुल, तो उसे खारिज कर दिया गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में ग्रोवर का मत है जो कि कोई खास विशेष नहीं है। अब आते हैं हम आधुनिक मत के ऊपर, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनका क्या मानना है कि पृथ्वी क्यों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पृथ्वी जो है उसकी अगर हम परत बाई परत अंदर तक खोलें तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि एक हिस्सा है पृथ्वी का जिसे हम बोलते हैं कोर। तो अगर हम एक लास्ट वाला हिस्सा पृथ्वी का खोलें तो वहां पे मिलेगा हमें कोर। कोर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है सॉलिड कोर,
एक होता है सॉलिड कोर और एक होता है हमारा लिक्विड कोर। सॉलिड कोर तो आप समझ गए सॉलिड है बिल्कुल, और लिक्विड कोर जो है वो बिल्कुल द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। कोर को हिंदी में कहते हैं क्रोड, ठीक। तो आधुनिक वैज्ञानिक जो आज के वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि ये जो लिक्विड कोर यानी कि तरल क्रोड वाला जो हिस्सा है इसमें बहुत सारे पदार्थ जैसे कि आपका कोबाल्ट, लोहा और निकेल, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो यहाँ पर द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं। और क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ये भी घूमते हैं और ऐसा होने से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहन धाराएं उत्पन्न होने से वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और वैद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का गुण पृथ्वी में पाया जाता है, ठीक। तो सिंपल में आप ऐसे ही बोल देंगे, आप बोल देंगे आधुनिक मत के अनुसार आप लिखेंगे पृथ्वी का प्रमुख चुंबकीय क्षेत्र का प्रमुख आपका कारण लिखेंगे कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार कारण में लिखेंगे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तरल क्रोड में बहुत सारे पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि तरल अवस्था में पाए जाते हैं और पृथ्वी के घूमने के साथ साथ वे भी घूमते हैं जिससे संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और इसके बाद वैद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं और वैद्युत धारा उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये था वैज्ञानिक अभी के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके मानने का कारण। कुछ लोगों का ये भी मानने का कारण है कि गर्म ठंडी हवाओं के मिलने से आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कुछ ये भी कहना है कि कॉस्मिक वेव्स यानी कि ब्रह्मांडीय तरंगें जो आती हैं उनके कारण पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्योंकि ये काफी जटिल विषय है इसलिए इसके ऊपर कोई पक्का प्रमाण नहीं है। किसी पे भी आप यकीन माने तो वहां कहीं ना कोई डाउट जरूर मिलता है, इसलिए ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है। तो ये कंप्लीटली भी पता नहीं है कि किस कारण से होता है, पर आपसे कभी पूछा जाए किस कारण से होता है तो हम आधुनिक मत को ही बताएंगे। तो सिंपल में आधुनिक मत क्या है कि आधुनिक मत ये है कि पृथ्वी के तरल क्रोड में जैसे बहुत सारे पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि तरल अवस्था में पाए जाते हैं और पृथ्वी के घूमने के साथ ये भी अंदर घूमते हैं और इससे संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं जिसके बाद वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और इससे आपका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी उत्पन्न कर लेती है या पृथ्वी पर इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ये है आपके, ये है आधुनिक मत जिसे आप लिख लेंगे और अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसी को जवाब में बता देंगे। और साथ में आप एक नोट डाल के जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि ये जटिल विषय है इसलिए इस पर अभी भी रिसर्च जारी है और आगे वाले टाइम में जैसे आएगा तो आपको हम भी बता देंगे जैसे पता चलेगा अगर इसमें कोई बदलाव होता है। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, आगे नहीं जाते हैं। अब बात करेंगे ध्रुवों की, ठीक। तो पृथ्वी जो है पृथ्वी के दो तरह से ध्रुव होते हैं, एक तो होते हैं आपके भौगोलिक ध्रुव होते हैं और दूसरे होते हैं आपके चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के। तो अब हम शुरू करते हैं ध्रुवों से। तो देखिए एक तो होती है पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष जो कि आप ये देख सकते हैं, एक होती है चुंबकीय अक्ष जो कि ये रही, ठीक। क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है तो पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। तो पृथ्वी का ये जो है यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ये है हमारी चुंबकीय अक्ष और ये है हमारी भौगोलिक अक्ष। अब एक बात याद रखनी है आपको कि भौगोलिक ये है हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ये है हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और ये है हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास में भौगोलिक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव नहीं होगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास में चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। आपको ये चीज याद रखनी होगी ध्यान से। तो ध्रुवों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो इसमें आपको ये बात सबसे पहले आप इस चित्र को भी बना लीजिएगा, इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास में चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। ये चीज आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। अगर आपको यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको साफ साफ लिख देता हूं, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी होगी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव आपको स्पष्ट हो गए होंगे। इसके बाद में देखिए
ये जो हमारी भौगोलिक अक्ष जो है इसे हम घूर्णन अक्ष भी कहते हैं। ये काल्पनिक है वैसे तो, पर इसी से हमारी पृथ्वी इसी के सहारे घूमती है। तो ये है हमारी भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष। ठीक, फिर अब हम बात करेंगे चुंबकीय अक्ष और हमारे चुंबकीय निरक्ष के बारे में कि ये चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष क्या होते हैं। अगर हम कोई एक सुई लें, ठीक, अगर हम कोई चुंबकीय सुई लें और उसे इस तरह से रखने, मान लीजिए चुंबकीय सुई है और इसे इस तरह से रखें कि ये ऊपर भी इस तरह से घूमने के लिए पूरी तरह से फ्री हो, ऊपर ऐसे घूमने के लिए पूरी तरह से ऐसे फ्री हो। अगर इसे हम इस तरह से रखते हैं तो आप बोल देंगे, अगर हम किसी, समझ सकते हैं, पहले समझ लीजिए, अगर हम किसी चुंबकीय सुई को इस तरह से रखें कि ये ऊर्ध्वाधर घूमने के लिए इस तरह से पूरी तरह से आजाद हो या स्वतंत्र हो, तो होगा क्या कि ये दो स्थानों पर तो बिल्कुल ऐसे ठहर जाती है, दो स्थानों पर तो चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी हो जाती है और दो स्थानों पर इस तरह से समांतर खड़ी हो जाती है। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं, अगर हम कोई चुंबकीय सुई लें और उसे इस तरह से लटकाएं कि वो ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधे इस तरह से घूमने के लिए आजाद हो, तो वो दो जगहों पे तो ऐसे ठहर जाती है बिल्कुल सीधी और दो जगहों पे बिल्कुल ऐसे ठहर जाती है बिल्कुल समांतर। तो जिन दो स्थानों पर ऐसे खड़ी होती है सीधी, जैसे कि मान लीजिए इस जगह पे सीधी ऐसे खड़ी हो गई और एक इस जगह पे ऐसे सीधी खड़ी हो गई, तो जिन दो जगहों पे सीधी खड़ी हो जाती है उस दोनों पॉइंटों पे लाइन खींच देते हैं, उसे बोल देते हैं हम चुंबकीय अक्ष। उसे क्या बोल देते हैं हम? चुंबकीय अक्ष। दो जगहों पे चुंबकीय सुई इस तरह से ठहरती है बिल्कुल समांतर, तो उनके बीच में हम लाइन खींच देते हैं और उसे बोल देते हैं हम चुंबकीय अक्ष। और जिन दो जगहों पे इस तरह से समांतर ठहरती है तो उन दोनों पॉइंटों पे भी ऐसी लाइन खींच देते हैं और उन्हें बोल देते हैं चुंबकीय निरक्ष। या सिंपल याद रखने के लिए आप इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय अक्ष चुंबकीय निरक्ष के लंबवत होता है, या चुंबकीय निरक्ष चुंबकीय अक्ष के लंबवत होता है। चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष में 90 डिग्री का अंतर रहता है। देखिए यह चुंबकीय अक्ष और इसके लंबवत क्या होगा? आपका चुंबकीय निरक्ष। ऐसे ही भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत होगा हमारा भौगोलिक निरक्ष। तो ये थे हमारे भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक निरक्ष, आपका चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष और ध्रुव। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, एक भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक ध्रुवों में, अब चुंबकीय ध्रुवों में एक होता है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, एक होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास होता है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के पास में होता है। चुंबकीय, अब इसके बाद में बात आती है हमारी चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष को समझने की। तो आप बोल देंगे हम किसी, यदि किसी आपकी चुंबकीय सुई को इस तरह से लटकाया जाए कि वह स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो दो स्थानों पर लंबवत ठहरती है या ऊर्ध्वाधर ठहरती है और दो स्थानों पर वह समांतर ठहरती है। जिन दो स्थानों पर वह लंबवत ठहरती है उनके बीच में लाइन खींच देते हैं और उसे बोल देते हैं चुंबकीय अक्ष, और जिन स्थानों पर समांतर ठहरती है उन दोनों स्थानों पर लाइन खींच देते हैं और उसे बोल देते हैं चुंबकीय निरक्ष। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय अक्ष के समांतर होता है चुंबकीय निरक्ष और भौगोलिक अक्ष के समांतर होता है भौगोलिक निरक्ष। तो ये थे हमारे चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक निरक्ष। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दिक्पात कोण की, दिक्पात कोण क्या होता है। आपको इसे समझना है कि दिक्पात कोण क्या होता है। देखिए अभी ये है हमारी पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष, ठीक है। भौगोलिक अक्ष जो है, भौगोलिक अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर तल, मैं अपनी बात दोबारा पहले सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखिए ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में हमने बीच में एक लाइन खींच दी और बोल दिया कि ये हमारा भौगोलिक अक्ष है। अब ये जो लाइन खींची है हमने अर्थ के बीचों बीच लाइन खींच दी, देखिए मान लीजिए एक धरती एक गोले की तरह है और हमने यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींच दी, तो यहाँ पर ये स्थान है, फिर यहाँ पर भी ये स्थान है। अभी हमने ये लाइन खींच दी बीचों बीच से, तो यहाँ पर ये स्थान है या नहीं है? तल,
अभी अर्थ जो है वो गोल है एकदम, और इसके बीच में से आपने लाइन खींच दी तो इस तरफ भी तल है, इस तरफ भी तल है। अगर आप देखें तो इस तरह से एक लाइन निकल के बाहर आ जाएगी गोला। अभी जो अर्थ है इसका एक चुंबकीय अक्ष है, ये है हमारा भौगोलिक अक्ष। ध्यान से समझिए दोबारा, ये है हमारा भौगोलिक अक्ष। तो इस भौगोलिक अक्ष की लाइन के हिसाब से इस तरह से गोले में एक जगह निकल आएगी, थोड़ी बहुत तल निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। तो इस तल को बोलते हैं हम भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, ये चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष जो है वो एक लाइन है, बीचों बीच हमने खींच दी। अब इसके चारों ओर एक हम तल होगा, ठीक है, इस तल को हम निकाल लेंगे। ये तल है हमारा क्या है, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, इसे हम बोल देंगे भौगोलिक यामोत्तर। सिंपल शब्दों में आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल, जैसे कि चुंबकीय अक्ष तो ये बीच में है, इस तरफ भी स्थान है, इस तरफ भी स्थान है, ठीक है। हमने अंदाजे से इसे माना ही तो है, सिर्फ ये चुंबकीय भौगोलिक अक्ष जो है इसे सिर्फ हमने मान लिया है कि ये भौगोलिक अक्ष होता है। तो बीच में हमने एक लाइन खींच दी, इसे बोल दिया अर्थ के बीच में एक लाइन लगा दी, उसे बोल दिया कि ये है भैया हमारा भौगोलिक अक्ष, ठीक है। तो अब इसके इस तरफ भी स्थान है और इस तरफ भी स्थान है, तो ये मान लीजिए कि मैंने अर्थ में बीचों बीच लाइन खींची है, तो इस तरफ स्थान, इस लाइन के इस तरफ स्थान और इस लाइन के इस तरफ स्थान, जो पतली पतली एक पट्टी टाइप निकलेगी एक तरह से, तो उसे हम बोल देते हैं भौगोलिक यामोत्तर। आप इसे साइंस की भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को, भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। ऐसे ही चुंबकीय अक्ष के, आपके चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर, ऐसे ही जैसे पृथ्वी, जैसे भौगोलिक अक्ष था तो भौगोलिक यामोत्तर हो गया, ऐसे ही चुंबकीय अक्ष जो है, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय अक्ष के, जैसे यहां से चुंबकीय अक्ष है तो इसके ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय यामोत्तर। तो एक अगर आपको क्लियर हो गया है तो दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, तो दूसरे को बोल देंगे चुंबकीय यामोत्तर। पहला पॉइंट है भौगोलिक यामोत्तर, दूसरा है चुंबकीय यामोत्तर। तो आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं, भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं और चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तल यानी कि एक तरह का स्थान, तल मतलब स्थान होता है, ठीक है। तो चुंबकीय भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं और चुंबकीय अक्ष के, आपके चुंबकीय अक्ष के भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ऐसे ही चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो और इन दोनों के बीच बने कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भौगोलिक अक्ष है, ये हमारा चुंबकीय अक्ष है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भौगोलिक यामोत्तर होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर चुंबकीय यामोत्तर होगा। यहां पर क्या है, ये है भौगोलिक यामोत्तर और ये यहां पर क्या होगा, चुंबकीय यामोत्तर होगा। और इनके बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को क्या बोलेंगे हम, उस कोण को बोलेंगे हम दिक्पात कोण, उस कोण को बोलते हैं हम दिक्पात कोण। और एक बात और जो यहां पे मैंने पहले स्पष्ट नहीं किया आप लोगों के लिए कि भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुवों में 11.5 डिग्री का अंतर होता है, कहीं कहीं आपको 11.3 भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, भौगोलिक यामोत्तर क्लियर हो गया आपको, चुंबकीय यामोत्तर क्लियर हो गया। तो भौगोलिक यामोत्तर आप पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, दिक्पात कोण की डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं तथा चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं और इन दोनों के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था, जिसे मैंने अब स्पष्ट कर देता हूं कि चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुवों के बीच में 11.5 डिग्री का अंतर होता है। आपकी एनसीईआरटी में 11.3 भी है पर ज्यादातर जगह आपको 11.5 ही मिला, 11.5 होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दिक्पात कोण तक आगे सीख लीजिए, नमन कोण और क्षैतिज घटक इन्हें अभी करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे
नमन कोण के बारे में। नमन कोण के जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको दिक्पात कोण को क्लियर कर देता हूं कि भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, और दोनों के बीच में बने कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। तो ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ये है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो अब इनके तल के बीच में जो कोण बना है ये रहा अल्फा, ये है हमारा दिक्पात कोण। हाँ एक बात और, दिक्पात कोण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका अलग अलग जगह पे मान भी अलग अलग रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नमन कोण के ऊपर। तो नमन कोण को जानने से पहले मैं आपको कुछ एक बात समझाना चाहूंगा, उसके बाद आप क्लियर समझ जाएंगे। देखिए, अगर हम किसी चुंबकीय सुई को लें और उसे छोड़ दें तो चुंबकीय सुई क्या होती है, इस तरह से चारों ओर से घूमने के बाद में चुंबकीय सुई रुकने के बाद में इस तरह से हल्का सा झुकी हुई रहती है। सिंपल शब्दों में अगर हम किसी सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो सुई जो है वो इस तरह से हल्की सी झुकी हुई रहती है। अगर हम किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक घुमा दें और जब वो आकर के आपका हल्की सी इस तरह से झुकी हुई रहती है, जैसे कि ऐसे है और हल्की सी ऐसे झुकी हुई रहती है, तो ये क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी सुई है, ये हल्की सी झुक गई, तो झुकने पर ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जब हम किसी सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो वह क्षैतिज से थोड़ा सा झुकी हुई रहती है और फिर वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो अब ये जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई है, तो आप बोल देंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के बीच बने कोण को, या आप ये भी बोल सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे हम नमन कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये है साउथ पोल, ये है चुंबक का नॉर्थ पोल, ये जो आप डार्क देख रहे हैं ब्लू, ये है हमारा एक चुंबक है जिसका साउथ पोल ये रहा और नॉर्थ पोल ये रहा। अब अगर इस चुंबक को हम घुमा करके छोड़ दें तो ये क्या होती है कि ऊर्ध्वाधर ये समांतर से थोड़ा सा झुकी हुई रहती है। देखिए ये इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है कि समांतर ना होकर के हल्की सी झुकी हुई है। तो ये जो है ये हमें दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दिखा रही है, ये जो लाइन जा रही है ये है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस क्षैतिज से जितना कोण बनाएगी, जैसे कि ये क्षैतिज है, अब क्या है कि ये हल्का सा झुकी हुई है, तो क्षैतिज से जितना कोण बनाएगी उसे कहते हैं नमन कोण, उसे थीटा से दिखाते हैं, इसे किससे दिखाते हैं थीटा से। तो आप परिभाषा लिखना चाहें एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये हमारी कोई चुंबक है जिसका दक्षिणी ध्रुव ये रहा और उत्तरी ध्रुव ये रहा, और अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो कुछ समय बाद यह जब ठहरती है तो हल्का सा झुकी हुई ठहरती है। तो यह ठहरने के बाद में जैसे ये यहां से ऐसे ठहर गई, तो ठहरने के बाद में ये चुंबक क्षेत्र की पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो आप बोल देंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जितना कोण बनाती है उसे हम नमन कोण कहते हैं। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, तो यहां से यहां क्षैतिज से जितना भी कोण बनाया ये कहलाएगा हमारा नमन कोण। तो ये हो गया हमारा नमन कोण। इसके बाद में आगे जाएंगे हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में। तो क्षैतिज घटक के आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले फिर से, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी से, ये रही हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसे हमने दिखा दिया बी से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो आप बोल देंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, नंबर एक क्षैतिज घटक, नंबर दो ऊर्ध्वाधर घटक। अच्छा, जो क्षैतिज घटक होगा एच वो होगा बराबर बी ई कॉस थीटा के, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो होगा बराबर बी ई साइन थीटा के। इसे समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए, इसे समीकरण सेकंड बोल दीजिए समीकरण एक में दो से भाग लगाने पर, समीकरण एक में दो से भाग लगाएंगे तो एच अपॉन बी बराबर बी ई
कॉस थीटा और अपॉन में आ जाएगा बीई साइन थीटा, तो बीई से बीई कट जाएगा, तो आ गया एच अपॉन बी बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एच अपॉन बी रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो रिजल्ट निकल के आया कि टेन थीटा बराबर एच अपॉन बी, और अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो होगा टेन इनवर्स एच अपॉन में बी। तो ये संबंध है थीटा यानी कि नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एच अपॉन बी। दूसरे समीकरण में आप बोल देंगे समीकरण एक व दो को वर्ग करके जोड़ने पर, तो पहले हमने इन दोनों का एक दूसरे में भाग लगाया, अब इनका वर्ग करके जोड़ेंगे, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग होगा एच स्क्वायर, और क्योंकि ये दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आपस में वर्ग होकर जुड़ जाएंगे, तो ये एच स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, और बराबर में ये क्या है बीई कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर बी बीई ऐसे ही साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से देखिए ये बीई का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, यहां आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बीई का स्क्वायर, तो ये बीई स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ बीई निकालना है तो बीई आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, तो क्षैतिज घट दिक्पात कोण क्या होता है कि पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं और चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, और भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और इसका मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, ठीक। दूसरा है नमन कोण, तो नमन कोण की बात आती है तो नमन कोण में आप बोल देंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका अधिकतम मान 90 हो सकता है और न्यूनतम मान 0, ठीक है। इसके बाद में बात आती है क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक सॉल्व करके दिखाना है, तो आप बोल देंगे माना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो दो घटकों क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित होता है, तो नंबर एक पे लिख देंगे क्षैतिज घटक एच बराबर आ जाएगा बी कॉस थीटा नंबर एक और ऊर्ध्वाधर घटक बी साइन थीटा नंबर दो, समीकरण एक दो का भाग लगा देंगे और हमें थीटा बराबर टेन इनवर्स एच अपॉन बी निकल आएगा, फिर समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो देखिए दोनों साइड का इन दोनों का वर्ग हो गया प्लस इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे बी कॉस स्क्वायर बी साइन थीटा बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम, और ये आपका ये आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक रहता है, अगर हमें सिर्फ बीई की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था पूरा हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र।